हेलो बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे कीमत प्रभाव से आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को ज्ञात करना। तो बच्चों इससे पहले भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार मैं आपको दोबारा पढ़ा देता हूं कि जो कीमत प्रभाव होता है, कीमत प्रभाव वो हमेशा जोड़ होता है किसका, आय प्रभाव का और प्रतिस्थापन प्रभाव का। यानी कि अगर हम कीमत प्रभाव को लिखते हैं पीई, तो प्राइस इफेक्ट इज द सम ऑफ इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल से भी समझाऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल भी कुछ दूंगा और पूरी तरीके से समझाने की बच्चों कोशिश करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि कीमत प्रभाव से आय प्रभाव कैसे ज्ञात करते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात कैसे करते हैं। इसके लिए हमारे पास दो मेथड है, एक तो है हिक्स का मेथड, हिक्स की विधि, और दूसरी है हमारी स्लस्की की विधि। स्लस्की की विधि, तो दोनों विधियों के बारे में बच्चों हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराएंगे। ठीक है, तो लेकिन देखिए बेसिक अंतर भी दोनों में बताएंगे। तो यहां पर हम जो बता रहे हैं वो सामान्य वस्तु के बारे में बता रहे हैं, घटिया वस्तु और गिफिन वस्तु के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि हम यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग, यूजी के अकॉर्डिंग, पीजी के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो हमारी हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो ये सारी की सारी वीडियो जो है हमारे आपको ऐप में मिल जाएगी। ऐप का नाम है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, वहां पर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको सिस्टमेटिकल तरीके से सारी की सारी वीडियो मिलेगी। तो ये एक तरीके का उसी कोर्स का एक पार्ट मान लीजिए आप, यानी कि ये एक तरीके की डेमो वीडियो है जो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से आप बच्चों को समझाता हूं। और आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए जहां पे आपको सारी की सारी वीडियो जो है वो सिस्टमेटिकल तरीके से ही मिलेंगी, जिससे कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, आपकी क्वालिफाई आप कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिक्स की विधि और स्लस्की की विधि से। तो देखिए हिक्स का मेथड क्या है, पहले आप बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि सपोज कीजिए हमारी जो आय है वो है 100 रुपए, एक्स वस्तु जो है वो है हमारी 20 रुपए पर यूनिट की, और वाई वस्तु जो है वो हमारी है 10 रुपए पर यूनिट की, और कंज्यूमर जो है वो 3x + 4y का प्रयोग कर रहा है। तो मैं डायग्राम के थ्रू बच्चों समझा देता हूं अभी तक हमने क्या समझा, क्योंकि इसमें बेसिकली डायग्राम ही हमें समझाना है। आप बच्चों को नीचे लिख देते हैं एक्स वस्तु और ऊपर लिख देते हैं वाई वस्तु। ठीक है, और ये जो कीमत है गिवन है और आय में हमारा एक ये स्लोप मिलेगा, हमारे को इस तरीके का स्लोप मिलेगा, यानी कि हम 5x खरीद सकते हैं और 10y, जिसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला है, यानी कि उपभोक्ता जो है वो 3x खरीद रहा है और 4y खरीद रहा है। ठीक है, यानी कि 40 रुपए इस पर खर्च कर रहा है, क्योंकि 10 रुपए की है ना, तो 10 × 4 × 10 40 रुपए इस पर खर्च कर दिए, और 3 × 20 60 रुपए इस पर खर्च कर दिए। इस तरीके से कंज्यूमर जो है अपनी सारी की सारी इनकम को खर्च भी कर रहा है, ये भी हमने समझ लिया। अब मान लीजिए ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, IC1 का ए पॉइंट है। अब मान लीजिए कि उपभोक्ता जो है उसकी आय में वस्तु की कीमत जो है 20 रुपए से घटकर 10 रुपए हो जाती है, तो डेफिनेटली जो बजट लाइन है वो अब आगे की तरफ चली जाएगी। तो मैं यहां पे बजट लाइन को आगे की तरफ मूव कर देता हूं। ठीक है, मैं चलिए ब्लैक पेन से ही बना देता हूं। ये जो बजट लाइन है ये आगे की तरफ मूव कर जाएगी, और अब आप देख पा रहे हैं कि जो बजट लाइन है वो अब 10 से कितनी हो गई है, 20 पर पहुंच गई है, इसका 10 पे। तो ये दिखाता है कि जब वस्तु की कीमत गिरती है तो उपभोक्ता पहले से वस्तु ज्यादा खरीद सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि जो इंडिफरेंस जो पीपीसी है वो या तो सीधी ही हो सकता है सामान्य वस्तु की स्थिति में, या नीचे की तरफ हो सकता है। तो हम चलिए बी पॉइंट यहां लगा लेते हैं, मतलब उपभोक्ता का जो नया संतुलन बिंदु है वो बी पर हुआ है। तो ये हमारा है, मान लीजिए 7x वो यूज कर रहा है, यानी कि हम इसको क्या कर देते हैं, ये सब हटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। हम इसको बोल देते हैं x0 और इसको बोल देते हैं बच्चों हम सिंपल करने के लिए x
वन, यानी कि पहले वो वस्तु की ओ एक्स जीरो वस्तु खरीद रहा था, वो एक्स वन खरीद रहा है, तो ये जो इफेक्ट है ये वाला, ये कहलाता है प्राइस इफेक्ट, कीमत प्रभाव। ठीक है बच्चों, अब कीमत प्रभाव के अंदर दो चीजें शामिल होती हैं, एक इनकम इफेक्ट, दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्यों शामिल होती है पहले हम वो समझ लेते हैं। देखिए जब वस्तु की कीमत गिरती है, वस्तु की कीमत क्या करती है, गिरती है, तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। अब हमें क्लियर करना पड़ेगा वास्तविक आय क्या होती है। देखिए वास्तविक आय का मतलब होता है क्रय शक्ति। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कीमत गिरती है तो उपभोक्ता उतनी ही पैसे में ज्यादा वस्तु खरीद सकता है, यानी कि वास्तविक आय बढ़ गई। इस बढ़ी हुई आय पे वो ज्यादा वस्तु खरीदेगा, यानी कि आय पर आय, वास्तविक आय बढ़ने से जो मांग है वो बढ़ जाएगी। दूसरा, वस्तु क्योंकि पीएक्स जो है वो पीएक्स का प्राइस गिरा है, तो पीएक्स जो है वो कंपेरेटिवली सस्ती हो गई, यानी कि उपभोक्ता जो महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का प्रयोग करेगा, यानी कि इसको हम प्रतिस्थापन प्रभाव बोलते हैं, यानी इसकी वजह से भी मांग बढ़ जाएगी। इसका मतलब कीमत गिरने से दो प्रभाव लागू होते हैं, आय प्रभाव जिसकी वजह से मांग बढ़ जाती है, और प्रतिस्थापन प्रभाव जिसकी वजह से मांग बढ़ जाती है। अल्टीमेटली जो मांग है वो बढ़ जाएगी। तो अब इसमें से कितना आय प्रभाव है, कितना प्रतिस्थापन प्रभाव, ये हमें ज्ञात करना है। यही हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे, कि कितना आय प्रभाव है, कितना प्रतिस्थापन प्रभाव। तो इसको ज्ञात करने के लिए हिक्स ने और स्लेस्की ने अलग अलग मेथड बताया, यानी कि यहां तक तो सेम रहेगा, स्लेस्की का भी मैं आपके लिए बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, और दोनों का जो अप्रोच है वो अलग अलग है। अप्रोच किस चीज का अलग है, यानी कि आय में जो कमी की जाती है उसके अप्रोच में अलग अलग है। पहले चलिए हम आपको स्लेस्की ही समझा देते हैं। हिक्स कहता है कि उपभोक्ता की आय में उतनी कमी की जानी चाहिए जिससे कि उपभोक्ता पुराने इंडिफरेंस कर पे वापस आ जाए, यानी कि पुरानी स्थिति में वापस आ जाए। ठीक है, ये याद रखिएगा, पुरानी स्थिति का मतलब पुराने आईसी पर वापस आ जाए। अब उपभोक्ता क्या करेगा, पुराने आईसी पर संतुलन का नया बिंदु ढूंढेगा, यानी कि यहां पर हमें समझाने की कोशिश की जा रही है बच्चों कि अगर हम आपकी आय में, जैसे मान लीजिए, चलिए मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल से ही समझा देता हूं। मान लीजिए कि अगर आपकी आय ये थी, अब जब प्राइस 10 हुआ, मान लीजिए प्राइस जो है वो एक्स का गिरकर 10 रुपए हुआ, तो जब प्राइस 10 रुपए हुआ तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, 7x यूज कर रहे हो प्लस 3y, यानी कि आप पहले से ज्यादा वस्तु खरीद पा रहे हो। तो 3x से 7x जो हुआ है वो हमारा कहलाएगा प्राइस इफेक्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनकम में 30 रुपीज की कमी कर देते हैं, इनकम को माइनस कर देते हैं 30 रुपीज से। तो इनकम अगर -30 रुपीज हो गई तो अब इनकम कितनी बचेगी, अब इनकम है हमारी 70, एक्स गुड्स है अब हमारी 10 रुपए के हिसाब से, वाई गुड्स है हमारी 10 रुपए के हिसाब से। अब हम 3x + 4y वाले कॉम्बिनेशन को खरीद सकते हैं, लेकिन खरीदेंगे नहीं। क्यों नहीं खरीदेंगे, क्योंकि पहले 20 रुपए की थी, अब x की, अब ये जो है ये हमारी 10 रुपए की है, इसलिए हो सकता है कि उपभोक्ता 6x खरीदे, यानी कि x पहले से ज्यादा खरीदे, और 2y खरीदे। तो इसका मतलब ये जो हमारा 3x से 6x हुआ है, ये इनकम इफेक्ट तो खत्म हो गया क्योंकि हमने यहां पे इनकम को माइनस कर दिया। तो ये जो है ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, यानी कि किसी भी तरीके से अगर इनकम इफेक्ट को माइनस कर दिया जाए, यानी कि इनकम को माइनस कर दिया जाए, और कितना माइनस किया जाए कि उपभोक्ता पुरानी स्थिति में वापस आ जाए, यानी कि 3x + 4y पे वापस आ जाए। जैसे कि यहां पे 30 रुपीज माइनस करने से वो फिर से 3x + 4y पे वापस आ गया, लेकिन उपभोक्ता पुरानी स्थिति में टिकेगा नहीं, बल्कि पुरानी स्थिति की जगह पर वो संतुलन का कोई नया बिंदु ढूंढेगा, यानी कि जैसे उसने 6x और 2y यूज कर लिया। यानी कि इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इसके पैरेलल में एक लाइन खींची जानी चाहिए, यानी कि मैं यहां पे लाइन खींच देता हूं बच्चों आपके लिए। ठीक है, तो ये पैरेलल में लाइन हमने खींची जो कि इंटरसेक्ट कर रही है, या टच कर रही है, सॉरी टेंजेंट हो रही है पॉइंट सी पर। यानी कि अब जो पॉइंट है उपभोक्ता का वो ए से बदल के सी पर हो चुका है, अगर इनकम में कमी होती है तो ये हमारा फर्स्ट लाइन थी, ये हमारी सेकेंड लाइन थी, ये हमारी थर्ड लाइन थी। तो इस केस में जो हमारा X2 है ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। ठीक है, ये वाला जो है ये हमारा इनकम इफेक्ट है, और दिस इज द प्राइस इफेक्ट। यानी इस स्थिति में प्राइस इफेक्ट स्ट्रांग होता है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी डिमांड बढ़ रही है, इनकम इफेक्ट की वजह से भी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि दोनों इफेक्ट की वजह से डिमांड बढ़ रही है, इसलिए आप पीई पे वापिस आ जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर हमारी बढ़ी हुई कीमत घटने से जो इनकम जो वास्तविक आय बढ़ी है अगर उसे वापस खींच लिया जाए तब उपभोक्ता ए बिंदु से सी बिंदु पर आ जाएगा, जिसको कि हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं, और जो खत्म हुआ वो इनकम इफेक्ट है। इस तरीके से हमने बच्चों पता किया कि इनकम इफेक्ट कितना है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, प्राइस इफेक्ट कितना है हमारा, प्राइस इफेक्ट है ओ एक्स जीरो टू से कितना ओ एक्स वन तक, ये हमारा प्राइस इफेक्ट है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना है इस केस में हमारा, ओ एक्स जीरो से ओ एक्स टू तक, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है हमारा। और इनकम इफेक्ट कितना है, ओ एक्स टू से ओ एक्स वन तक। तो इस तरीके से बच्चों हिक्स के मेथड से हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट पता करते हैं। बात करते हैं बच्चों सेलेस्की के मेथड की। सेलेस्की का मेथड हिक्स के मेथड से बहुत अंतर नहीं है, जो अंतर है वो आय में कमी करने के तरीके से अंतर है। तो ये क्या कहता है, मैं पहले आपको डायग्राम बना देता हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारी इनिशियल बजट लाइन है, फिर ये हमारा उपभोक्ता संतुलन बिंदु है। मान लीजिए मैं यहां पे अभी डायग्राम नहीं बना रहा हूं, मैं चलिए बना देता हूं। ये ए बिंदु पर है, ये मान लीजिए आईसी वन है, ठीक है। ए बिंदु पर कीमत में कमी होने से ये ऊपर की तरफ चली गई और कंज्यूमर जो है वो बी बिंदु पर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ए से ये हमारा एक्स जीरो है, ये हमारा एक्स वन है। तो ये जो इफेक्ट है ये प्राइस इफेक्ट कहलाता है बच्चों, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। ये एक्स वस्तु नीचे दी हुई है, ऊपर वाई वस्तु लिखते हैं, यानी कि ये क्या बता रहा है कि कीमत के गिरने से जो जो बजट लाइन है वो ऊपर चली गई, यानी कि एल एम जो लाइन थी अब वो एल एम वन हो गई है, ठीक है। जिसकी वजह से अब ये जो है ये कीमत प्रभाव है, तो ये तो सेम ही है इसके हिसाब से। अब सेलेस्की कहता है कि उपभोक्ता की आय में कमी की जानी चाहिए, मैं लिख देता हूं यहां पे, यानी कि उपभोक्ता की आय में, देखिए दोनों में आय में कमी की बात कर रहे हैं। आय में कमी का मतलब इसको बोलते हैं बच्चों क्षतिपूरक परिवर्तन, आप याद रखिएगा क्षतिपूरक परिवर्तन, ठीक है। यानी कि उपभोक्ता की आय में कमी की जानी चाहिए, कमी कि वह पुराने पैकेट को खरीद सके, पैकेट को खरीद सके, यानी कि पुराने जो संयोग है उसको खरीद सके, इस पॉइंट को खरीद सके। लेकिन वो इसको खरीदेगा नहीं, बल्कि क्या करेगा, नए बजट लाइन पर संतुष्टि का कोई नया बिंदु ढूंढ लेगा। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइन बनाएंगे जो इस ए को इंटरसेक्ट करती हुई आगे की तरफ निकल जाएगी, जो कि इसके पैरेलल होगी बच्चों, ठीक है। तो ऐसे करके इंडिफरेंस कर्व है हमारा ये वाला, ये हटा देते हैं, ठीक है। और ये हमारा है नई बजट लाइन, यानी कि ये याद रखिएगा इस बजट लाइन को कट करना जरूरी है, नई बजट लाइन को, और इस पर आप संतुलन का कोई नया बिंदु ढूंढोगे। इसका मतलब ये हमारा आईसी थ्री हो गया, ये हमारा आईसी वन है, ये आईसी टू है, इसका मतलब नया बिंदु सी है जिसको कि हम एक्स टू बोल देते। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और ये वाला सारा का सारा हमारा इनकम इफेक्ट है, ठीक है। तो कंफ्यूज, तो देखिए दोनों में देखिए क्या बेसिक डिफरेंस है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। ये कहता है, हिक्स कहता है कि उपभोक्ता की आय में इतनी कमी की जानी चाहिए कि उपभोक्ता पुराने आईसी पर वापस आ जाए और पुराने आईसी पर वो संतुलन का नया बिंदु ढूंढ लेगा, आईसी पुराना संतुलन का बिंदु नया। ये कहता है कि इतनी कमी की जानी चाहिए कि वो पुराने पैकेट को खरीद सके, यानी कि पुराने संयोग पर वापस आ जाए। ये पुरानी स्थिति की बात कर रहा है, ये पुराने संयोग की बात कर रहा है। लेकिन वो क्या करेगा, नई बजट लाइन पर नया बिंदु ढूंढेगा। इसका मतलब इसमें आपको तीन आईसी बनाने हैं सेलेस्की वाले मेथड में, और इसके अंदर दो आईसी बनाने हैं। तो बच्चों ये हुआ हमारा हिक्स और सेलेस्की के बीच में जो अंतर है वो भी आप समझ लीजिए, कि इसके अंदर जो बजट लाइन है वो एक तरीके से टेंजेंट होगी, इसमें भी टेंजेंट होगी, लेकिन ये इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट ए को और ये ए को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये बेसिक बच्चों फर्क है दोनों में, हिक्स और सेलेस्की के मेथड में। अगली जो वीडियो होगी बच्चों उसमें हम आपको सामान्य वस्तु तो हमने ये बता दिया, अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि आय प्रभाव और जो प्रतिस्थापन प्रभाव है और कीमत प्रभाव है वो अलग अलग वस्तुओं में, यानी कि सामान्य वस्तुओं में, गिफिन वस्तुओं में और निम्न कोटि की वस्तुओं में किस तरीके का होता है, और किस तरीके से निम्न कोटि की वस्तु में और गिफिन वस्तु की स्थिति में हम आय प्रभाव को, प्रतिस्थापन प्रभाव को और कीमत प्रभाव को ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि कीमत प्रभाव में से किस तरीके से आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को अलग अलग करते हैं, वो हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।